नमस्कार दोस्तों। तो जिस टॉपिक पर आज हम चर्चा करने वाले हैं वो ये है कि आप कैसे स्टार्ट कर सकते हैं अपनी बाइक मॉडिफिकेशन कंपनी भारत में। देखिए, अगर आप बाइक मॉडिफिकेशन कंपनी शुरू करना चाहते हैं या बाइक मॉडिफिकेशन का काम करना चाहते हैं तो बहुत ही बड़ी मार्केट है और बहुत ही बड़ा बिजनेस बन सकता है। बट इसको शुरू करने से पहले आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे कि रिसर्च एंड मार्केट एनालिसिस। सबसे पहले तो कंडक्ट करेंगे, हाँ जी, आपकी जो मार्केट है, जो टारगेट ऑडियंस है, पोटेंशियल कस्टमर है, कॉम्पिटिटर्स हैं, उसमें क्या ट्रेंड्स, प्रेफरेंसेस, प्राइजिंग मार्केट किस तरीके से चल रही है, क्योंकि ये चीज ध्यान में रखनी बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप बिजनेस में हैं। दूसरा है बिजनेस प्लान, आपको डेवलप करना पड़ेगा कॉम्प्रिहेंसिव बिजनेस प्लान, जिसमें विजन विजन और एक तरीके से आपकी टारगेट मार्केट, सर्विसेज आप क्या ऑफर करेंगे, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज, मार्केट अपॉर्चुनिटीज, फाइनेंशियल प्रोजेक्शन, ये सारी चीजें दी हुई। इसके बाद आती है लीगल फॉर्मेलिटीज, जैसे कि आपको कौन सा रजिस्ट्रेशन कराना है, किस तरीके के बिजनेस लाइसेंस, किस तरीके के परमिट चाहिए होंगे, किस तरीके का जीएसटी रजिस्ट्रेशन, बाकी सारी चीजें चाहिए। लोकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मायने रखता है, रीजन फॉर बीइंग, क्योंकि जहां आप रेजिडेंशियल जोन के पास इसको शुरू करेंगे उसमें ज्यादा क्रेज और ज्यादा फॉर्मेशन की ज्यादा इच्छा होगी। बात करें आपको इसी के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर, टूल्स, इक्विपमेंट, वर्क स्टेशन, सारी चीजों की जरूरत पड़ेगी। स्किल्ड वर्क फोर्स की भी बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी, क्योंकि कोई भी नॉर्मली यू ही नहीं कर सकता बाइक मॉडिफिकेशन। आपके पास इसके लिए मैकेनिक्स होने चाहिए, फैब्रिकेटर्स, पेंटर्स, डिजाइनर्स। टाई अप करने का बहुत ही अच्छा फायदा होगा इसमें, क्योंकि आप सबको अपने नीचे हायर नहीं कर सकते, तो टाई अप्स करें, टाई अप्स का फायदा लें। सप्लायर्स और इन्वेंट्री का भी ध्यान रखना, क्योंकि बाइक पार्ट्स, एक्सेसरीज, मॉडिफिकेशन कंपोनेंट्स आपको जुटाने पड़ेंगे, आपको इन्वेंट्री की तैयारी करनी पड़ेगी, इन्वेंट्री अच्छी तरीके से होनी चाहिए। आपको स्मूथ ऑपरेशंस के लिए टाइमली कंप्लीशन ऑफ प्रोजेक्ट्स का भी ध्यान रखना पड़ेगा, तो सप्लाई चेन मैनेजमेंट की जरूरत बहुत पड़ेगी और बहुत ज्यादा जरूरत पड़ेगी। सर्विस पोर्टफोलियो की बात करें तो देखिए, आपको रेंज ऑफ सर्विसेज देनी पड़ेंगी, जिसमें कस्टम पेंट जॉब्स हो गया, बॉडी मॉडिफिकेशंस हो गई, इंजन एनहांसमेंट हो गया, एग्जॉस्ट सिस्टम्स हो गए और सस्पेंशन मॉडिफिकेशंस हो गए, कस्टमाइजेशंस हो गए, ये सारी चीजों की आपको जरूरत पड़ेगी। इसके बाद मार्केटिंग प्लान और प्रमोशंस के बारे में देखा जाए तो आपको डेवलप करनी पड़ेगी कस्टमाइज मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, जो कि अट्रैक्ट करे कि हाँ जी आपके कस्टमर किस तरीके से आपके बिजनेस तक पहुंचे और किस तरीके से टारगेट ऑडियंस को आप टैप करें। यूटिलाइज करें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को, जैसे कि सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, एडवर्टाइजिंग, कोलैबोरेशन, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, मोटरसाइकिल कम्युनिटीज के थ्रू लीड जनरेट करना और कस्टमर एक्सपीरियंस को बहुत अच्छा करने की कोशिश करें। क्वालिटी और सेफ्टी पे ज्यादा ध्यान दें, एम्फेसाइज करें, लीगल रेगुलेशंस और गाइडलाइंस के थ्रू चलें, तभी आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। मैं अगर बात करूं स्टैट्स की, मार्केट स्टैट्स क्या बोलते हैं, देखिए बहुत बड़ी मार्केट है इसमें इंडिया में, नो डाउट। बाइक मॉडिफिकेशंस की जो स्टैट्स हैं वो बताते हैं कि कम से कम ये मान के चलिए कि 200 करोड़ की मार्केट है। कस्टमाइजेशन सर्विसेज में बात करें तो बहुत सारी कस्टमाइज सर्विसेशन सर्विसेज का बहुत ज्यादा स्कोप है, जैसे कि एस्थेटिक चेंज हो गया, परफॉर्मेंस अपग्रेड्स हो गए, पर्सनलाइज्ड एसेसरीज हो गए, ठीक है। और अगर मैं बोलूं परफॉर्मेंस अपग्रेड्स, एसेसरी, एस्थेटिक्स, इनमें भी बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि कस्टमाइज कॉस्मेटिक मॉडिफिकेशंस, आउट परफॉर्मिंग द परफॉर्मेंस, ECU वगैरह की कैपेबिलिटी, स्पीड, पावर, हैंडलिंग, ठीक है। एक्सेसरीज और पार्ट्स की बात करूं तो LED लाइट्स, हैंडल बार्स, एग्जॉस्ट सिस्टम्स, बाकी सारी चीजें। रेस्टोरेशन विंटेज मॉडिफिकेशन की बात करी जाए तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि विंटेज का माइक्स का एक तरीके से मॉडिफिकेशंस करना। ऑनलाइन प्रेजेंस होना आपका जरूरी है, अगर ऑनलाइन प्रेजेंस नहीं होगा तो आपके लिए सरदर्द बढ़ जाएगा और आपके पास क्लाइंट्स का इंटेक बहुत कम, ये भी बहुत बड़ी चीज है अगर मैं बोलूँ तो, कि हाँ जी आपको ये चीज ध्यान में रखनी है और इसको प्रॉपरली फॉलो करना है। कोलैबोरेशंस और पार्टनरशिप्स का भी फोकस करें, बाइक डीलरशिप और बाइक लोकल गैरेजेस, बाइक कम्युनिटीज, नेटवर्किंग करें, यहाँ पे कस्टमर्स के साथ बातचीत करें, इसी तरीके से आपका बिजनेस आगे बढ़ेगा। व्हाट टाइप ऑफ बिजनेस अपॉर्चुनिटी कैन बी टैप, क्या क्या किया जा सकता है बाइक मॉडिफिकेशन बिजनेस में, देखिए कस्टमाइजेशन एंड पर्सनलाइजेशन, मॉडिफिकेशन और पर्सनलाइजेशन हो सकता है इसमें, कस्टम पेंट जॉब्स हो सकती है, डिकॉल्स, ग्राफिक्स, एक्सेसरीज, सारी चीजें। परफॉर्मेंस एनहांसमेंट की बात करें तो देखिए आप ऑफर कर सकते हैं अपग्रेड्स, एग्जॉस्ट सिस्टम्स, एयर फिल्टर्स, इंजन ट्यूनिंग, सस्पेंशन मॉडिफिकेशंस और ये सारी चीज़। एडवेंचर एंड ऑफ रोड कन्वर्जन भी होते हैं, जैसे कि आप केटर कर सकते हैं मार्केट्स में मॉडिफिकेशंस रिलेटेड टू ऑफ रोड कैपेबिलिटीज, रक टायर्स और प्रोटेक्टिव गियर्स, स्किड प्लेट्स, रेस सस्पेंशन। विंटेज बाइक रेस्टोरेशन में देखिए कई लोगों को विंटेज बाइक्स रखने की बहुत ज़्यादा चलन होता है, वो चाहते हैं कि विंटेज बाइक्स के थ्रू वो अपनी पुरानी जो भी हिस्ट्री है बाइक्स की उसको बचा के रख सकें, उसको अच्छी तरीके से चला सकें, तो आप उसमें भी काम कर सकते हैं रेस्टोरेशन में, चाहे वो क्लासिक बाइक्स की फॉर्मर ग्लोरी को संभालना हो, ओरिजिनल पार्ट्स मंगवाने हो, रिफर्बिश करना हो इंजन्स को या मेंटेन करना हो बाइक्स। इलेक्ट्रिक बाइक
कन्वर्जन्स भी हो सकते हैं, क्योंकि आजकल इलेक्ट्रिक बाइक किट्स आने लगी हैं, उसको आप फिट करके उसे भी यूज़ कर सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं कन्वर्जन सर्विसेज, और नॉर्मली बाइक्स को आप इलेक्ट्रोफिटेड रेट्रोफिटिंग इलेक्ट्रिक मोटर्स बैटरीज चार्जिंग सिस्टम्स के थ्रू इलेक्ट्रिक बाइक कन्वर्जन कर सकते हैं। बाइक रेंटल मॉडिफिकेशन हो सकते हैं, जैसे कि मॉडिफाई कर सकते हैं देयर रेंटल फ्लीट, जितने भी रेंटल फ्लीट है आप उसको चला सकते हैं। आजकल जिप और बाकी सारी कंपनियां ऐसी चलन पे चल रही हैं। दिस कुड इन्वॉल्व एडिशनल फीचर जैसे कि फोन माउंट्स लगाना, सैडल बैग्स, कंफर्टेबल सीट्स, ये सारी चीजें करने में बहुत ज्यादा मदद मिलती है और इसी काम के थ्रू आपको बढ़त मिल सकती है, तो ये चीज ध्यान में रखें। इसके अलावा सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एनहांसमेंट भी आप ध्यान रख सकते हैं, जैसे कि आप एडवांस अलार्म सिस्टम्स लगा सकते हैं, जीपीएस ट्रैकिंग डिवाइसेस लगाते हैं, एंटी थिफ्ट लॉक्स लगा सकते हैं, प्रोवाइड कर सकते हैं बाइकर को विद पीस ऑफ रोड। ब्रांड पार्टनरशिप्स और कोलैबोरेशंस में जरूर रहें, क्योंकि उसके बिना आपके बिजनेस को आगे ले जाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा अगर मैं बोलूँ तो, क्योंकि मेन बात है कोलैबोरेशंस नहीं होंगी बाइक मैन्युफैक्चरर डीलर्स के साथ, ऑटोमोटिव इंडस्ट्रीज के साथ, पैकेज और को पैकेज को ब्रांडेड प्रोडक्ट्स अगर आप नहीं बेच पाएंगे तो दिक्कत हो। तो ये ऑफरिंग्स जरूर दें। ऑनलाइन सेल्स एंड ई कॉमर्स पे भी बहुत ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि ऑनलाइन सेल्स और ई कॉमर्स पे भी इतना ज़्यादा मदद है जिसकी कोई हद नहीं है। आप बाइक के पार्ट्स, एसेसरीज, मर्चेंडाइज सब ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे सेल कर सकते हैं। मॉडिफिकेशंस भी बहुत ज़्यादा इजीली पॉसिबल है, अलाउ कर सकते हैं वाइडर ऑडियंस तक पहुंचने के लिए लोकल एरिया में, और कन्वीनियंस अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं। अब बात करें बाइक मॉडिफिकेशन वर्कशॉप्स एंड ट्रेनिंग्स, ये भी आप कर सकते हैं और इसमें ऑर्गेनाइज कर सकते हैं वर्कशॉप्स और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स लोकल मैकेनिक्स के लिए, शेयर कर सकते हैं नॉलेज और एक्सपर्टाइज लोकल बाइक मॉडिफिकेशन के लिए, और अट्रैक्ट कर सकते हैं एंथुजियास्ट जो कि कस्टमाइजेशन के प्रति बहुत ज़्यादा उत्सुक। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन क्या चाहिए बाइक मॉडिफिकेशन कंपनी अगर आप सेटअप करना चाहते हैं? देखिए अपनी बाइक मॉडिफिकेशन कंपनी अगर आप सेटअप करना चाहते हैं तो आपको कुछ लाइसेंस रजिस्ट्रेशन की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले तो आप रजिस्टर करें अपनी कंपनी, रजिस्टर करने के लिए आपको लीगल स्ट्रक्चर चूज करना पड़ेगा। लीगल स्ट्रक्चर होता है प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाए, 1% कंपनी, सिंगल पर्सन कंपनी बना सकते हैं, या LLP बना सकते हैं। इन तीनों में से कोई भी ऑप्शन आप चूज कर सकते हैं। एक्सपर्ट आपको बताएगा कि हाँ जी किस तरीके से एक्सपर्ट डिटरमाइन करेगा सुटेबल स्ट्रक्चर आपके बिजनेस का, और उसका फायदा आपको मिलेगा। गुड्स एंड सर्विस टैक्स जरूर लें अगर आप एक थ्रेश होल्ड पे जाते हैं और पक्का बिल काट रहे हैं तो। शॉप एस्टेब्लिशमेंट लें अगर आप कमर्शियली बिजनेस कहीं दुकान लेके कर रहे हैं तो। ट्रेड लाइसेंस जरूर लें, ट्रेड लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है, वेरियस ट्रेड लाइसेंस की रिक्वायरमेंट पड़ती है लोकल रेगुलेशंस में और बहुत सारी जगह। इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड आपको जब लेना है, जब आप बाइक के एक्सपोर्ट कर रहे हैं प्रोडक्ट या एसेसरीज, या इम्पोर्ट कर रहे हैं किसी तरीके की बाइक एसेसरीज या पार्ट्स या कंपोनेंट्स, तो ये जरूरी पड़ता है, इसके बिना आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। पॉल्यूशन कंट्रोल सर्टिफिकेट भी आप ले सकते हैं डिपेंडिंग कि आपकी किस तरीके की मेंटेनेंस या ऑर्गेनाइजेशन है। ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन भी ले सकते हैं, ये वॉलंटरी है, बट सबसे ज्यादा जो कंपलसरी है वो है बिजनेस रजिस्ट्रेशन एंड GST लाइसेंस एंड शॉप एस्टेब्लिशमेंट। ये तीनों चीजें आपके लिए थोड़ी प्राइम है अगर देखा जाए। उसके बाद बात करते हैं कि हाँ जी आप, मैंने आपको ये सारी चीजें बताई थी क्या क्या चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से आप काम कर सकते हैं। बेसिक्स अगर देखा जाए तो देखिए एक्सपर्टाइज एंड स्किल्स बहुत ज़्यादा मैटर करती है, तो अपनी एक्सपर्टाइज और स्किल्स पे काम करें शुरुआत में, अपनी नॉलेज बढ़ाएं वेरियस एस्पेक्ट जो मोटरसाइकिल मॉडिफिकेशन के हैं, चाहे वो मैकेनिक्स, वेल्डिंग, फैब्रिकेशन, पेंटिंग, इलेक्ट्रिकल सिस्टम्स, बाकी सारी इस चीज़ पे ध्यान दें। डिज़ाइन कंसल्टेशन करें, डिज़ाइन और कंसल्टेशन करने का मतलब ये है कि हाँ जी आप एनविजन करें कि आप किस तरीके से अपनी डिज़ाइन कंसल्टेशन को बढ़ा सकते। आज के टाइम पे कस्टमाइज AI प्रोग्राम्स आ गए हैं जिसमें आप अपने बाइक की फोटो डालेंगे और चेंजेस हो जाएंगे और उसके हिसाब से ही आप चेंजेस कर सकते। कस्टमाइजेशन सर्विसेज पे भी फोकस करें, क्योंकि कस्टमाइज सर्विसेशन बहुत सारी चीज़ों की होती है, जैसे पेंट जॉब्स वगैरह, ग्राफिक्स, डिकॉल्स, बॉडी अल्टरेशंस, बाकी सारी चीज़ें। बट ये करें उसी तरीके से जो लीगल है, लीगल वे में ही परफॉर्म करें। लीगल में इंजन ट्यूनिंग, एग्जॉस्ट अपग्रेड्स और बाकी सारी चीज़ें आप कर सकते हैं, बट रिलेटेड टू सर्टेन रेगुलेशंस उसको जरूर फॉलो। पार्ट्स एंड असेसरीज जो है उसको देखिए, आप कंपनी में आफ्टर मार्क पार्ट्स और एसेसरीज मैन्युफैक्चरर्स के साथ टाइप कर सकते हैं, हाई क्वालिटी कंपोनेंट्स एंड मॉडिफिकेशंस कर सकते हैं, फैब्रिकेशन दे सकते हैं और वेल्डिंग और बाकी सारी सर्विसेज। टेस्टिंग एंड क्वालिटी एश्योरेंस अच्छी रखें, सेफ्टी का ध्यान रखें कस्टमर्स की, रिलायबिलिटी पे फोकस करें, वारंटीज दें और गारंटीज दें, तभी आपके वर्कफोर्स में थोड़ा सा इजाफा होगा, आपके काम की बढ़ोतरी होगी।
कस्टमर सर्विस पे ध्यान दें, कस्टमर सर्विस अच्छी होनी चाहिए और रिटेंशन होनी चाहिए पुराने कस्टमर्स की, और नए कस्टमर बनते रहने चाहिए। ये हो सकता है क्लियर कम्युनिकेशन, टाइमली अपडेट्स और रिस्पॉन्सिवनेस टू टुवर्ड्स कस्टमर इंक्वायरीज, ये ध्यान में रखना आपको जरूरी है। तो आप वेलकम करें कम्फर्टेबल एनवायरमेंट से और वर्कशॉप और शोरूम से बुलाएं कस्टमर्स को। कंप्लायंस एंड लीगल कंसिडरेशन आप ध्यान में रखें कि आपको जो जो लॉस फॉलो करने हैं वो तो करने ही करने हैं। मार्केटिंग और ब्रांडिंग पे भी ध्यान दें, इसके बारे में हम बाद में बात करें। तो डिफरेंट बाइक मॉडिफिकेशन बिजनेस मॉडल क्या हो सकते हैं? देखिए, कस्टम बाइक बिल्डिंग हो सकता है, वो ऑर्डर पे हो सकता है। फोकस ऑन बिल्डिंग बाइक्स अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिकेशन, प्रेफरेंसेस, स्टाइल, जो चॉइस है उस हिसाब से मॉडिफिकेशन हो सकती है। डेवलप करें रिलेशनशिप विद सप्लायर्स एंड ऑल, और कोलैबोरेट करें लोकल बाइक शॉप्स और डीलरशिप से। एस्टैब्लिश करें ऑनलाइन प्रेजेंस, वेबसाइट बना के, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे एड वगैरह चला के। परफॉर्मेंस अपग्रेड करें, देखिए आप परफॉर्मेंस अपग्रेड कर सकते हैं, ऑफर कर सकते हैं सर्विसेज जैसे इंजन ट्यूनिंग वगैरह, बाकी सारी चीज पार्टनरशिप्स कर सकते हैं और परफॉर्मेंस पार्ट्स के ऊपर भी फोकस कर सकते हैं। बाइक कम्युनिटीज के साथ जुड़े और उसके थ्रू मदद लें। विंटेज बाइक रेस्टोरेशन हो गया, स्पेशलिटी बाइक कन्वर्जेंस हो गया। बिजनेस प्लानिंग बहुत अच्छी तरीके से करें क्योंकि इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अपने बिजनेस प्लान को बढ़ाते रहें। सेटअप करें वर्क स्पेस और उसकी भी मदद लें। प्रोक्योरमेंट और इन्वेंटरी में भी आप मदद कर सकते हैं, और मार्केटिंग प्रमोशंस में भी बहुत सारी चीजें जिसको आप कर सकते हैं। बाइक मॉडिफिकेशन रेवेन्यू मॉडल देखिए, प्रोडक्ट सेल्स अगर आप करते हैं कोई तो उसके थ्रू रेवेन्यू आ सकता है। कस्टमाइजेशन सर्विसेज में कॉन्ट्रैक्ट बेस भी हो सकता है, वन टाइम और रेगुलर भी हो सकता है। मेंटेनेंस एंड रिपेयर्स के अलग सिस्टम ले सकते हैं आप, सब्सक्रिप्शन बेस मॉडल भी ले सकते हैं। सब्सक्रिप्शन बेस मॉडल उनको दे दें, महीने का आपको इतना चार्ज करना है, AMC दे दें, उस हिसाब से उनको जो भी रिक्वायरमेंट होगी उस तरीके से वो आते रहेंगे, आपसे काम कराते रहेंगे। आपका रेवेन्यू भी इंटैक्ट रहेगा, मंथली आता रहेगा, नहीं तो ईयरली आप चार्ज कर सकते हैं। कंसल्टेशन एंड डिजाइन के पैसे लें, आज के टाइम पे कंसल्टेशन देने के भी पैसे लेने चाहिए। रिटेलिंग एक्सेसरीज पे भी ध्यान दें, जितने रिटेल जैसे हेलमेट्स हो गया, जैकेट्स हो गया, ग्लव्स हो गया, सेफ्टी इक्विपमेंट्स हो गया, बाइक रिलेटेड एक्सेसरीज हो गई, उन सारी चीजों पे ध्यान दें। ऑनलाइन सेल्स एंड ई कॉमर्स पे भी ध्यान दें, क्योंकि ऑनलाइन सेल्स और ई कॉमर्स में आप जितना बढ़ेंगे उतना ज्यादा फायदा होगा। स्पॉन्सरशिप्स एंड पार्टनरशिप्स का भी फोकस करें, क्योंकि जितनी स्पॉन्सरशिप्स और पार्टनरशिप्स आप लाएंगे उसका फायदा आपको ही मिलेगा। तो ये सारी चीजें हैं। एक्सपेंशन अगर आपने करना है तो ऑनलाइन प्रेजेंस करें ई कॉमर्स पे, इसके बढ़िया कोई अच्छा तरीका नहीं है। एक्सपोर्ट करें इंटरनेशनल मार्केट्स में, और ये हो सकता है आप जब अपॉर्चुनिटीज को एक्सप्लोर करेंगे, डिमांड कंपटीशन को मैच करेंगे, रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट पूरे कर देंगे डिफरेंट कंट्रीज में। तो कोलैबोरेट करें इंटरनेशनल ब्रांड्स के साथ, आप उन्हें मेल कर सकते हैं, कोल्ड मेलिंग कर सकते हैं, आप उनसे बातचीत कर सकते हैं, उनके प्रोडक्ट्स को शोकेस कर सकते हैं, उसके थ्रू आप धीरे धीरे उनसे टच में आ जाएंगे। कस्टमाइजेशन सर्विसेज आप इंटरनेशनल कस्टमर्स को भी दे सकते हैं, क्योंकि वो जो वहाँ पे कराते हैं उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा है, और यहाँ पे उस चीज को कराने की कॉस्ट बहुत कम है। आप यहाँ से आप लोगों को भेज सकते हो वहाँ पे इंटरनेशनल, इन सारी चीजों के लिए। पार्टिसिपेशन इन इंटरनेशनल ट्रेड शो, जितने भी मोटर ट्रेड शो होते हैं उसमें बाइकिंग कस्टमाइजेशन ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के जितने भी हैं उसमें पार्ट लीजिए और शोकेस करिए अपनी कंपनी की कनेक्शंस, ब्रांड वैल्यू, ग्लोबल स्केल, बाकी सारी चीजें, प्रोडक्ट वगैरह। एस्टैब्लिश करें इंटरनेशनल डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क्स, कोशिश करें कि हाँ जी आप इंटरनेशनली जितने भी ऑटो फेयर्स होते हैं उसमें जाएं और उसमें अपनी पकड़ बनाएं, कस्टमर बेस क्रिएट करें फेवरेबल टर्म्स पे और सारी चीजों पे। ब्रांडिंग और मार्केटिंग पे फोकस करें, उसके बिना इधर कुछ भी नहीं हो पाएगा, तो ब्रांडिंग और मार्केटिंग पे भी ध्यान दें। अगला आता है कंप्लायंस विद इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स, क्योंकि इसके बिना भी काम नहीं हो पाएगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स आपको फॉलो करने पड़ेंगे, सर्टिफिकेशन, रेगुलेशन और बाकी सारी चीजें। कस्टमर सपोर्ट एंड आफ्टर सेल्स मार्केट का भी ध्यान रखें। कम्युनिकेशन चैनल रिस्पॉन्सिव होना चाहिए और अच्छा होना चाहिए, सेटिस्फेक्शन मिलना चाहिए कस्टमर को, लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप होने चाहिए। रिसर्च एंड डेवलपमेंट में फोकस करें, वहां पे सबसे बड़ी चीज है कि आपको रिसर्च डेवलपमेंट एक्टिविटीज अगर आपने फोकस करके दूसरे देश में डाल दी अपनी, तो उसमें आगे फ्यूचर का स्कोप बहुत बढ़ जाता है। मार्केटिंग के लिए अपनी टारगेट ऑडियंस डिसाइड करें, टारगेट ऑडियंस एज, जेंडर, इस तरीके से उसकी लोकेशन, इनकम लेवल, ये सारी चीजें ध्यान रखें। सेट करें मार्केट अपॉर्चुनिटीज के, हाँ जी किस तरीके से आप ब्रांड अवेयरनेस, लीड जनरेशन, बाकी सारी चीजें करेंगे। रिसर्च द कॉम्पिटिशन, देखिए एनालाइज करें कॉम्पिटिशन लैंडस्केप को और किस तरीके से डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, उस चीज पे ध्यान दें। डेवलप करें अपनी ब्रांड आइडेंटिटी, जैसे कि ब्रांड लोगो, टैगलाइन कंसिस्टेंट रहे, विजुअल आइडेंटिटी में जितना ज्यादा शोकेस करेंगे उतना ज्यादा फायदा। कॉम्प्रिहेंसिव ऑनलाइन स्ट्रेटजी बनाएं, जैसे कि वेबसाइट बना ली, पोर्टफोलियो बना लिया, आप टेस्टिमोनियल्स बना लिए और विजिबिलिटी बना ली, सोशल मीडिया का ध्यान लें, ऑनलाइन लिस्टिंग का ध्यान लें, अपने यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक चैनल्स बना के उस पे लगे, ब्लॉग गाइड्स बनाए कि इंफॉर्मेशन ब्लॉग मेंटेनेंस टिप्स के ऊपर, मॉडिफिकेशंस के ऊपर और ट्रेंड्स के ऊपर, और लोकल प्रोडक्ट जो आजकल आ रखे हैं उनके ऊपर,
इस तरीके से इम्प्लीमेंट करें इन सारी चीज़ों को। पेड सर्च एड्स लगा सकते हैं आप गूगल पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया एड लगा सकते हैं फेसबुक इंस्टाग्राम पे, डेमोग्राफिक इंटरेस्ट बिहेवियर को देख इन्फ्लुएंसर के साथ कोलैबोरेशन कर सकते हैं, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग का यूज ले सकते हैं, बहुत बड़ी चीज़ है इस टाइम पे। स्पॉन्सरशिप करें, पार्टनरशिप्स करें, कस्टमर रेफरेंस लाएं, मॉनिटर करें, एनालाइज करें अपनी कन्वर्जन रेट्स, ट्रैफिक और कस्टमर फीडबैक, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बात करें हाँ जी सोशल मीडिया मार्केटिंग स्ट्रैटेजी किस तरीके से बनाएं, देखिए फेसबुक पर आप फेसबुक बिजनेस पेज बना सकते हैं, टेस्टिमोनियल ले सकते हैं कस्टमर से और उसे डाल सकते हैं टारगेट ऑडियंस में। इंस्टाग्राम पे आप अपने वर्क वीडियोस डाल सकते हैं, आप मॉडिफाइड जितने भी आउटकम्स हैं उसको डाल सकते हैं, कोलैबोरेशंस हो गए इन्फ्लुएंसर्स के साथ। आप यूट्यूब पे क्रिएट करें एंगेजिंग कंटेंट और शोकेस करें अपनी ब्रांड मॉडिफिकेशन प्रोसेस और शेयर करें ट्यूटोरियल्स, कस्टमर टेस्टिमोनियल्स, किसी की कोई प्रॉब्लम से तो वो डालें उसके सॉल्यूशन आप दे सकते हैं। कनेक्ट करें लोकल प्रोफेशनल्स के साथ लिंक्डइन में रिलेवेंट ग्रुप में और बातचीत करनी शुरू करें, इंटरनेशनल जितने भी लोकल लोग हो सकते हैं उनको यहाँ आप पकड़ सकते हैं। ट्विटर तो इतना कर कोई खास है नहीं इस टाइम पे, बट फिर भी यूज़ कर सकते हैं आप, पिंटरेस्ट यूज़ करें, टिकटॉक यूज़ करें, व्हाट्सएप कम्युनिटीज़ को यूज़ कर सकते हैं आप। अब बात करते हैं केस स्टडी के बारे में। रेफ साइकिल करके एक US बेस्ड कंपनी है जो कि बॉयड मॉडिफिकेशंस में काम करती है और स्पेशलाइज करती है कस्टमाइजिंग और एनहांसिंग द मोटरसाइकिल परफॉर्मेंस। तो अगर देखा जाए तो ये आप कर सकते हैं। क्लाइंट बैकग्राउंड इसमें देखिए जॉन मोटरसाइकिलिस्ट थे जिन्होंने ऑन किया था एडवेंचर और काफ़ी यूनिक एस्थेटिक की अपील थी उनकी और काफ़ी अच्छी तरीके से उन्होंने शुरू किया। प्रोजेक्ट जब शुरू हुआ था जॉन का तो काफ़ी रिक्वायरमेंट और अंडरस्टैंडिंग के साथ शुरू, उन्होंने इंजन एनहांसमेंट, सस्पेंशन अपग्रेड, बॉडी वर्क एस्थेटिक और लाइटिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट जैसे कि LED लाइट्स और USB चार्जिंग पोर्ट, GPS डिवाइस वगैरह पे ध्यान दिया। एग्जीक्यूशन टाइमलाइन बहुत अच्छी रखी, इंश्योर करें एफिशिएंसी और टाइमली डिलीवरी, सप्लायर्स के साथ बातचीत करी, ट्रस्टेड सप्लायर रखे, प्रिसाइज नेटवर्क रखा उनका, इंस्टॉलेशन अच्छे तरीके से रखा और चैलेंजेस और सॉल्यूशन तो बहुत सारे आए उनके साथ, ओवरकम इन चैलेंजेस के साथ कम्युनिकेशन चैनल्स बिल्ड की, कोलैबोरेट किया नेटवर्क के साथ और आगे बढ़ते चले। रिजल्ट ये है कि हाँ जी कस्टमर सेटिस्फेक्शन दिया उसका, उनको एनहांस सपोर्ट भी मिला, कैपेबिलिटीज भी मिली, आउटकम्स भी मिले। इम्पैक्ट ये है कि फ्यूचर प्रोस्पेक्ट को देखते हुए अपने कस्टमर्स के ऊपर फोकस करें और उसी से रिलेटेड एक प्रोडक्ट क्रिएट करें। दोस्तों अगर आपको कहीं भी बाइक मॉडिफिकेशन कंपनी को लेके कोई क्वेरी है कि हाँ जी किस तरीके से हम इसको शुरू कर सकते हैं, किस तरीके से हम इसको बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कर सकते हैं, कैसे शुरू करें, रजिस्टर कैसे करें, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, किस तरीके से हम शुरू कर सकते हैं, बिजनेस प्लानिंग क्या रखनी चाहिए, किस तरीके की मार्केटिंग स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, किस तरीके से हम रेवेन्यू बिजनेस मॉडल बनाएं अपना, किस तरीके से हम इसको ग्रो करा सकते हैं, तो आप हमसे नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, व्हाट्सएप पे भी, कॉल पे भी। अगर आपकी कोई भी क्वेरी, वी विल बी थैंकफुल कि हाँ जी अगर आपकी कोई क्वेरी हुई और हम आपका पूरा साथ देंगे, पूरी तरीके से उसमें मदद करेंगे, और कोई भी क्वेरी हुई तो हम पूरी सहायता के लिए तत्पर हैं आपके लिए। आप हमसे पूछ सकते हैं चाहे वो रेवेन्यू मॉडल हो, बिजनेस अर्निंग मॉडल हो, इस तरीके से क्या क्या करें, कैसे करें, ऑनलाइन प्रेजेंस कैसे बनाएं, वेबसाइट कैसे बनेगी, क्लाइंट्स कैसे आएंगे ऑनलाइन, ये सारी चीज़ें हम बता सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी है तो नीचे दिए हुए नंबर पर संपर्क करके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपकी पूरी सहायता करेंगे। और चैनल पसंद आया तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल बटन जरूर दबाइए। थैंक यू सो मच। दोस्तों ये वीडियो कहीं से कहीं तक किसी भी तरीके का एडवर्टीजमेंट ना है, ना इसे माना जाए ना इसे समझा जाए, सिर्फ एक ट्यूटोरियल वीडियो है नॉलेज पर्पसेस के लिए। थैंक यू।